नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक बहुत ही देखिएगा अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में। और देखिए शेयर होल्डर्स को यहाँ पे किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है और लॉन्गर टर्म में कंपनी देखिएगा कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, सब कुछ बताएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी देखिएगा जब मैं डिविडेंड का स्टॉक लेके आता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में परमानेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, 3 साल का 2 साल का व्यू है आपका, तभी आपको ऐसे स्टॉक्स में बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखिएगा ये एक ऐसे रिटर्न होते हैं जो डिविडेंड के रूप में आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं और कंपनी जो ग्रोथ करती है और जो मार्केट वैल्यू बढ़ती है उसका अलग आपको बेनिफिट देखने मिलता है। तो सेकंड रिटर्न होता है और अगर आप देखेंगे तो 51% की डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। कोई ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है लाइक देखिएगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में सबसे देखिएगा अंडर वैल्यूड स्टॉक है और बहुत अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। और डिविडेंड किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 15 रुपये का डिविडेंड, 10 रुपये का डिविडेंड, 35 रुपये का डिविडेंड, 17 रुपये का डिविडेंड और फिर 17 रुपये का डिविडेंड। देखिएगा 3 फरवरी को एक्स डेट है। कॉन्टिन्यू अगर आप देखेंगे तो साल में कॉन्टिन्यू डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्टॉक बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तभी कहते हैं बिजनेस मॉडल को स्टडी करिए और ऐसी छोटी कंपनियां ही आगे चल के मिड कैप कंपनी बन जाती हैं अगर ये कॉन्टिन्यू इस तरीके से परफॉर्म करती हैं। आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल कोई भी ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी, 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लेकिन उस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटल में भी अगर शेयर होल्डर्स का इतना ध्यान रखा जा रहा है तो वो एक अच्छी बात है। सेकेंड चीज़ क्या है, स्टॉक आपको देखिएगा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, 26 के पी पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 26 का पी यू जो पी है वो अंडर वैल्यूड कैसे हो गया? इस सेक्टर के जो मैक्सिमम स्टॉक हैं वो 50 के पी मल्टीपल के ऊपर हैं, लाइक 50, 55, 60, 90, 80 इस तरीके के पी मल्टीपल पे आपको यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर उनके कंपैरिजन में आप स्टॉक को चेकआउट करोगे तो 26 का पी मल्टीपल अंडर वैल्यूड कहलाएगा। ऐसा सच कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं है। 1540 का देखिएगा हाई था, 1000 के भाव पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको देखिएगा व्यू क्या रखना है, लॉन्गर टर्म का। ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। हर चीज आपको देखिएगा तुरंत नहीं भागेगी, हर चीज आपको 10 दिन में नहीं भागेगी। आपको ये भी व्यू रखना है कि लॉन्गर टर्म में किन कंपनियों में अच्छे पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं। इतनी खास बातें बताएंगे इस कंपनी के बारे में कि आप यही देख लो कि 5% का डिविडेंड यील्ड है, 5% का रेयरली देखिएगा होता है। आप सभी लोग कहते हैं कि सर डिविडेंड स्टॉक प्रोवाइड करो, तो ये कुछ ऐसे क्वालिटी बिजनेस होते हैं लाइक देखिएगा डिविडेंड दे रहे हैं 5% का डिविडेंड यील्ड, जो आपका सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट इतना नहीं मिलता है। सेकेंड चीज, रिटर्न बना के दे रहे हैं और कंपनी लगातार प्रॉफिट में डबल डिजिट की ग्रोथ कर रही है। और उसमें भी अगर आप आरओसी देखेंगे और आरओई देखेंगे तो 17% और 21% है। चेकआउट करिए किस तरीके से कंपनी देखेगा, एकदम वेल मेंटेन कंपनी है, वेल वर्स कंपनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट का रिडक्शन किया है। कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग जब कंपनी होती है तो डेप्ट का कोई भी बर्डन ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर आप देखेंगे डिविडेंड डील तो आपने देखा ही 5% के आसपास है और पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 36% का आरओई दिया है, कितना 36% का। और कंपनी अपने देखेगा प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट क्या कर देती है, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जिस तरीके का आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है, आप उससे कह भी सकते हो कि लाइक कंपनी किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है। तो एज सच कोई भी अब अगर आप देखेंगे जब यहाँ पे डेप्ट नहीं है, जब यहाँ पे देखिएगा स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, तो ये चीज़ बहुत बड़े मायने रखती हैं। और आपको मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियाँ दिखाता हूँ, लाइक देखिएगा एम्फेसिस देखिएगा इसी सेक्टर की कंपनी है, 43 का पी मल्टीपल है। आप देखो 43 का मल्टीपल है, चेक कर सकते हो 3000 का भाव है। L&T टेक्नोलॉजी 55 का पी मल्टीपल है, 4600 का भाव है। चेकआउट करिएगा
टाटा एलेक्सी देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 92 का पी मल्टीपल है और 7400 का भाव देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 7400 का भाव देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट देखेंगे 54 का पी मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम कंपनी 50 के पी मल्टीपल पे है, केवल ये कंपनी जो है वो आपको 26 के पी मल्टीपल पे देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे एकदम छुपा रुस्तम स्टॉक है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। और अगर आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में देखिएगा कॉन्टिन्यू ग्रो कर रहे हैं, पिछले 5 क्वार्टर देखिए कॉन्टिन्यू आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और अच्छी तरीके से EPS मेंटेन कर रहे हैं, PBT मेंटेन कर रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी कब होती है आपको पता है, जब आपका जो कस्टमर है वो परमानेंट होता है, पोटेंशियल कस्टमर जो है वो परमानेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है तब आपको ऐसी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। आगे अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो देखिएगा लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया देखिएगा बाउंस बैक किया है, कंपनी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल रखती है, कॉन्टिन्यू 5 साल से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लाइक मैंने आपको बताया ना कि कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है और प्रॉफिट का मैक्सिमम मार्जिन क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आगे चल के EPS अगर फिर से 70 के आसपास आता है तो ये स्टॉक यहाँ से कम 50% के रिटर्न देगा, 1500 का भाव आएगा और 50% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और प्रमोटर यहाँ पे देखिएगा 74% है, वो भी देखिएगा जो होल्डिंग बेची गई थी वो नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बेची गई थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FIIs और DIIs भी काफ़ी मार्जिन में देखने को मिल रहा है, कॉन्टिन्यू थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे अगर आप बात करेंगे स्टॉक का नाम है एक्लिया सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1400% के रिटर्न बना के दिए हैं स्टॉक ने, चुपचाप आपको देखिएगा 1500 तक का भाव स्टॉक का गया था, ऑल टाइम हाई है। और अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा क्योंकि आपको 1 साल के भाव पे ही आपको देखने को मिल रहा है, 52 वीक के लो के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपको कोई स्टॉक देखिएगा सेलेक्ट करना है तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है और आपको यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।